हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने साइकेट्रिक नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, सबको शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग गोल्डन पॉइंट्स। तो फर्स्ट जो आपका गोल्डन पॉइंट है वो क्या है, हेल्थ। हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, जैसे CHO के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ की जो WHO के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फॉर्मिटी। अगर हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं तो हम कम्प्लीट बोलते हैं, कम्प्लीट फिजिकली भी हमें हेल्दी होना चाहिए, मेंटली और सोशली वेलबींग, प्लस उसके साथ एक कंडीशन और जोड़ दी, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। इसके साथ साथ कोई हमें डिजीज़ भी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, प्लस कोई किसी तरह की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेल्थ। नेक्स्ट डेफिनेशन है, गोल्डन पॉइंट है हमारा, वो क्या है, स्टूपर। स्टूपर को क्या बोलते हैं, स्टूपर जैसे हमने एक क्या है, अगर याद करना चाहे, याद करने के लिए आपके लिए है, म्यूट एंड मोशनलेस। मींस अगर कोई क्लाइंट म्यूट है प्लस मोशनलेस है तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, स्टूपर। इन द पेशेंट एक्टिविटी एंड स्पीच रिड्यूस एट मिनिमल लेवल, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर उसका स्पीच है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे, मींस मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है। अगर कोई स्पीच अगर उसकी मींस मिनिमम है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूट है, कि वो पर्सन बिल्कुल बोल नहीं रहा है, चुपचाप बैठ जाता है, या फिर एक्टिविटी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा, एक जगह स्थिर होकर मुँह बैठ जाए, तो मींस एक जगह बैठ जाए और प्लस किसी से बात ना करे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टूपर। नेक्स्ट कंडीशन है कोमा विजिल। कोमा विजिल में क्या होता है, कोमा इन विच आई रिमेन्स ओपन, मींस पेशेंट है वो कोमा स्टेट में होता है, अपनी कोई भी किसी तरह की पेनफुल जो है स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स भी नहीं करता, मींस कोमा स्टेज में है, प्लस आई रिमेन्स ओपन, और आई मगर उसकी ओपन रहती हैं। अगर आई क्लोज है तो वो कोमा स्टेट हो जाएगी, अगर उसमें आई ओपन है तो कोमा विजिल हो जाती है। नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नाम में वैक्स नज़र आ रहा है आपको, वैक्स मीन्स जम जाना एक जगह। तो इन दिस पेशेंट मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट, एक ही जगह स्थिर होकर खड़ा रहता है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती है, वैक्स की तरह जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या है, मैनरिज्म। व्हेन अ पेशेंट रिपीट्स एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस इज कॉल्ड मैनरिज्म। मीन्स कोई भी पेशेंट जब एक मूवमेंट को बार बार रिपीट करता जाए बिना किसी कारण के, बिना किसी पर्पस के, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनरिज्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कोई भी पर्सन है बार बार किसी ऑब्जेक्ट को टच करता रहे बिना किसी कारण के, उसको एक बार टच किया, फिर दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार, बार बार रिपीटेडली उसको टच करे विदाउट एनी पर्पस या कोई किसी तरह के मूवमेंट करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैनरिज्म बोल देते हैं। जैसे क्या है कि कोई किसी, आपने देखा होगा किसी पर्सन को बार बार अपने नाक को टच करता है, ठीक है, तो वो क्या है, बिना कारण से करता है, वो मैनरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन में क्या है, इन दिस पेशेंट रिपीट अ वर्ड और सेंटेंस विदाउट एनी पर्पस, कि पेशेंट अपने किसी वर्ड को या फिर सेंटेंस को विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पस के रिपीट करता रहता है एक ही वर्ड को या फिर एक ही सेंटेंस को, तो ये क्या कहलाता है, वर्बिग्रेशन। अगर विदाउट एनी पर्पस मूवमेंट करता है तो मैनरिज्म, और विदाउट एनी पर्पस वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करता है तो वर्बिग्रेशन होता है। और एक जगह स्थिर होकर खड़ा रहे मुँह बिल्कुल चुपचाप, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स किस तरह की मूवमेंट अगर एब्सेंट होती है तो। नेक्स्ट है इकुलेलिया। अब इकुलेलिया में क्या है, रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट। आपको वर्बिग्रेशन और इकुलेलिया में कन्फ्यूज नहीं होना है। इकुलेलिया में क्या है कि इमिटेट करता है पेशेंट, मीन्स नकल उतारता है, जो भी जैसे सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो क्लाइंट भी बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मीन्स सामने वाले पर्सन का कि क्या है, नकल उतारेगा क्लाइंट, जो भी आपका पेशेंट है। तो यहाँ पे स्पीच का
इमिटेशन होता है, रिपीट करता है जो भी वो सामने वाला पर्सन जो बोलेगा। थेरेपिस्ट अगर है, थेरेपिस्ट कोई भी बात बोलता है तो पेशेंट भी उसकी बात को रिपीट करेगा। तो ये क्या हो गया, इको ले लिया। और वर्बिग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इमिटेशन नहीं होता बल्कि किसी वर्ड को बार बार, कोई भी वर्ड हो सकता है, उसको वैसे ही रिपीट करता है, दूसरे पर्सन को नकल नहीं करता। तो इकोलेलिया वर्ड में, इकोलेलिया में आपको क्या याद रखना है, इमिटेशन वर्ड याद रखना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट है इकोप्रेक्सिया। अब इकोप्रेक्सिया में क्या है, इन दिस द एक्टिविटी डन बाय द पेशेंट आर रिपीटेड और इमिटेटेड बाय द पेशेंट। मीन्स इकोप्रेक्सिया में क्या है कि मूव जो है एक्टिविटी को या फिर मूवमेंट ही बोल लीजिए, उसको इमिटेट करता है। जो भी पेशेंट है वो थेरेपिस्ट की एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, इमिटेट करेगा, नकल करेगा। जैसे थेरेपिस्ट ने अपना पेन उठा के इधर रखा तो पेशेंट भी क्या करेगा, पेन उठा के रख देगा। वो कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी करेगा तो पेशेंट उसको इमिटेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोप्रेक्सिया। और मैनरिज्म में आपको अब थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, मैनरिज्म में इमिटेशन नहीं होता, नकल नहीं होती, बट रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट होता है। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, जो पेशेंट है वो इमिटेट करता है, नकल उतारता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, इन दिस द पर्सन इज़ हाईली कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि मुझे कुछ, कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। द पर्सन थिंक दैट ही हैज़ अ मेजर इलनेस बट इन रियलिटी ही हैव अ माइनर ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। पर्सन को लगता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है, उसको लगता है कि अगर माइनर सा कुछ उसको हो जाता है, किसी तरह का छोटी मोटी इंजरी होती है, उसको लगता है कि नहीं उसको तो टेटनस हो जाएगा या किसी तरह का उसको कार्सिनोमा हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। तो वो क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। मीन्स वो हाईली कॉन्शियस होता है अपनी हेल्थ को लेके, बहुत ज़्यादा उसको डर रहता है। तो यहाँ पे असल में और कोई किसी तरह की पैथोलॉजी नहीं होती है, कोई बीमारी उसको नहीं होती है पेशेंट को, मगर उसको लगता रहता है कि नहीं उसको बहुत बड़ी बीमारी है। तो ऐसे पेशेंट को हम, क्लाइंट को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट है कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन में क्या है, अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ गैप्स इन मेमोरी बाय इमेजिंड और अनट्रू एक्सपीरियंस दैट पेशेंट बिलीव बट दैट हैज़ नो रियलिटी। इसमें क्या है कि जो पेशेंट क्या करेगा, अपनी कुछ मेमोरी है, उन मेमोरीज में अपने बीच में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस को ऐड कर देता है, फिल कर देता है, जो वो एक्सपीरियंस क्या होते हैं, अनट्रू होते हैं, वो असल ज़िंदगी में उनका कोई वजूद नहीं होता है। मीन्स वो एक्सपीरियंस के अनट्रू होते हैं, इमेजिनेशन होती है क्लाइंट की। कुछ मेमोरी सही होती है, उस मेमोरी में क्या करेगा, कुछ वो जो है अपने जो इमेजिनेशन से उस मेमोरी में अपने गैप्स को फिल कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्फेबुलेशन। मीन्स अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ गैप्स इन मेमोरी, मीन्स मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह के अनट्रू एक्सपीरियंस भी ऐड कर देता है, फिलअप कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फेबुलेशन। और जो वो गैप्स को फिल करने के लिए जो एक्सपीरियंस, मीन्स अनट्रू एक्सपीरियंस डाल देता है, उसमें असल ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं होता, कोई रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा कॉन्फेबुलेशन था। नेक्स्ट पॉइंट है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है, इन दिस द पेशेंट हैज़ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ अल्दो दिस बिलीफ इज़ कंसिडर्ड एज इम्प्रॉपर और इम्पॉसिबल बाई व्यूअर्स। डिल्यूजन सबको पता है क्या होता है, कि इसमें पेशेंट को क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। बस ये आपको दो तीन शब्द याद रखने हैं, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ मीन्स इस तरह का विश्वास जो गलत होता है, बट पेशेंट को लगता है कि वो उसी गलत विश्वास में ही वो टिका रहता है। असल जो बिलीफ है वो इम्प्रॉपर होता है, इम्पॉसिबल होता है, बट पेशेंट को लगता है कि नहीं बस वही ठीक है, और इसी चीज़ पर वो फिक्स रहता है, अड़ा रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिल्यूजन। पेशेंट को क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई और रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। मीन्स कि कोई एक्चुअल स्टिमुलाई है, जैसे हमने, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, रस्सी को क्या समझ लेता है, सांप समझ लेता है। मीन्स जो एक्चुअल स्टिमुलाई है उसको मिस इंटरप्रेट करता है, कुछ और ही समझ लेता है, तो वो क्या होता है, हमारा इल्यूजन होता है। इल्यूजन होता है मीन्स एक्चुअल स्टिमुलाई को रॉन्ग परसीव करना, परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन को इल्यूजन बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिजावू। डिजावू क्या है, फीलिंग ऑफ द फैमिलियरिटी विद अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस। मीन्स कि पेशेंट जैसे
कहीं अनफैमिलियर सर्कमस्टेंस में कहीं किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो पहले नहीं गया हो और उसको लगता है कि नहीं वो पहले भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये नॉर्मली सभी क्लाइंट में मीन्स नॉर्मल सभी लोगों में मिल जाता है। कई बार हमें भी लगता है कि जैसे हम किसी नई जगह पे जाते हैं और फिर लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ या फिर आ चुका हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, डिजावू, फीलिंग ऑफ फैमिलियरिटी विद अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेज। अनफैमिलियर होती है हमारे लिए बट हमें लगता है कि नहीं तो हमें पता है, फैमिलियर है हम इस चीज़ से, ठीक है पहले आ चुके हैं, तो ये हमारा डिजावू कहलाता है। नेक्स्ट है जेमिसावू। जेमिसावू में क्या होता है, इट इज़ अ फॉल्स फीलिंग ऑफ अनफैमिलियर विद फैमिलियर सिचुएशन और रियल सिचुएशन। ये बिल्कुल डिजावू के उल्टा है। यहाँ पे क्या लगता है, उसको उस रियल सिचुएशन का पता होता है, फैमिलियर होता है, मीन्स उस इन्वायरमेंट का पता होता है, बट वो दिखाता है कि नहीं उसको उसके बारे में नहीं पता जानबूझ के। फॉल्स फीलिंग जो उसकी क्या दिखाता है, वो अपनी फीलिंग्स को गलत दिखाता है कि नहीं मुझे तो यहाँ पर आसपास का कुछ नहीं पता है, अनफैमिलियर है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो वो क्या कहलाता है, जेमिसावू। तो डिजावू और जेमिसावू एक दूसरे के अपोजिट है, आप एक चीज़ याद कर लीजिए दूसरा उसके अपोजिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका 15th, इंसाइट एंड जजमेंट आर एब्सेंट इन साइकोसिस। जो साइकोसिस होता है जैसे उसमें इंसाइट मीन्स पेशेंट को अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में नहीं पता होता, एब्सेंट होता है, मीन्स साइकोसिस के अंदर इंसाइट भी एब्सेंट होती है और जजमेंट भी, पेशेंट अपनी कंडीशन को जज नहीं कर पाता, तो दोनों ही चीज़ साइकोसिस में एब्सेंट होती है। साइकोसिस में दो इसके अंडर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में डिटेल से पढ़ा हुआ क्लासिफिकेशन, एक ऑर्गेनिक साइकोसिस आती है, एक फंक्शनल साइकोसिस आती है। फंक्शनल साइकोसिस में हम क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सा डिजीज़ जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे फंक्शनल साइकोसिस में आते हैं, और ऑर्गेनिक साइकोसिस में हमारे डिलीरियम और डिमेंशिया आते हैं। तो साइकोसिस के अंदर क्या है, इंसाइट भी एब्सेंट होती है, मींस जो भी इसके अंडर डिजीज़ आएंगे उनमें सब में इंसाइट भी एब्सेंट होगी और जजमेंट भी नहीं होगा क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट है डिलीरियम। तो डिलीरियम अभी जैसे हमने देख लिया, डिलीरियम किसके अंदर आता है, साइकोसिस के अंदर आता है, साइकोसिस में भी ऑर्गेनिक साइकोसिस, इट इज़ द ऑर्गेनिक साइकोसिस करेक्टराइज बाय क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। मीन्स जो क्लाइंट है उसको उसकी जो याददाश्त है, कॉन्शियसनेस है, वो थोड़ा क्लाउडेड है, मीन्स थोड़ा धुंधलापन सा रहेगा, जैसे उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से याद नहीं होगा कि वो कहाँ खड़ा है, ठीक है किस पर्सन से उससे वो बात कर रहा है, जो टाइम प्लेस एंड पर्सन इन सब के बारे में उसको जो है अच्छे से याद नहीं होगा, तो किसी तरह का धुंधलापन उसके आदेश में रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, डिलीरियम। नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी का इम्पेयरमेंट होता है, ये भी हमारा किस में आता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस में आता है कि उसको अच्छे से याद नहीं होता है, तो ये मेमोरी का इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, जो डिलीरियम है वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, और कॉन्शियसनेस की जो है पॉइंट डिजीज़ है, और जो डिमेंशिया है उसमें मेमोरी का इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। तो जो डिलीरियम में हो गया क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है, उसका जो आसपास का जो कॉन्शियस जो है वो कि उसमें क्या धुंधलापन होता है, और डिमेंशिया में मेमोरी का इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट है 18th पॉइंट, एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या, फियर फ्रॉम ओपन स्पेसेस। किसी भी क्लाइंट को खुली जो ओपन स्पेसेस हैं जैसे सुनसान जो इलाका होता है वहाँ जाने में डर लगता है, ठीक है, नॉर्मली सभी लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के एग्रोफोबिया होता है कि ओपन स्पेस में जाने से डर लगता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रोफोबिया। कोलेस्ट्रो में क्या होता है, फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेसेस, जैसे बंद कमरे में अकेले डर लगना, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया फियर फ्रॉम हाई प्लेसेस, मीन हाइट से डर लगता है, यहाँ पे एक्रो मीन्स क्या है, हाइट से डर लगना, वो हमारा एक्रोफोबिया है। तो ये हमारा लास्ट जो पॉइंट था, गोल्डन पॉइंट्स हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और बहुत मैंने चूज़ किया, बहुत मेन जो पॉइंट्स आपके वही चूज़ करके आपको बताए हैं, लिखाए हैं, ताकि इंपॉर्टेंट ही आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको पूरा लेक्चर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैंने वही पॉइंट्स रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप इसको जैसे एग्जाम से पहले एक बार रीड कर सकते हो इस पूरी फटाफट, तो इसी हिसाब से मैंने ये आपके लिए बनाई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो अगर और अपनी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी आपको फीडबैक देना है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।